नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आपने जो भी कुछ लैंड लिया है, वो प्लॉट लिया हो, और जो भी कुछ आपने एसेट लिया हो, मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो नई, तो उसको फेंसिंग करना, मतलब उसको कंपाउंड करना, उसको कुंपन लगाना, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मराठी में हम उसे कहते हैं कुंपन घालना। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। आपने नया लैंड लिया है या एसेट कौन सी भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आजकल हो रहा है कि बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो भी बढ़ रही है। तो होता क्या है, आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर आप लेने के बाद हम वहाँ मकान नहीं कंस्ट्रक्ट करते और बहुत 2-3 साल से वहाँ जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ नहीं रहती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग इधर इधर के जो नेबर होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर ढकेलते हैं और उसका क्या खोलते हैं, प्रॉपर्टी हमारी 2 गुंठा या 2 एकड़ ज़मीन हो तो वो 1.5 एकड़ ही मेजर करने के बाद वो ऐसी लगती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो नेबर से भी हमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और हमारे जो अलग रहने वाले पड़ोसी हैं उनसे भी हमारे झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी प्रॉपर्टी नहीं ले तो उसको फेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, कंपाउंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जो ताराबंदी हम उसे कहते हैं, तो वो स्टील तार जो मिलती है, बहुत सी कंपनी है उसके हम यूज़ करके ऐसा जो पोल है वो स्टील के, ये जो गैल्वनाइज्ड आयरन की होती है तो उससे क्या होता है, रस्टिंग भी नहीं होती, गंज भी नहीं पकड़ता। ठीक है, तो इसलिए ऐसी फेंसिंग हमें करना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ रहती है और उसकी जो जितनी साइज़ के लिए है उतनी ही रहती है। जो अगल बगल के लोग हैं, जो अगल बगल के पड़ोसी है, वो भी हमारे प्रॉपर्टी को कोई धक्का नहीं पहुंचाते और इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ रहती है। तो पहले प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको जो है वो कंपाउंडिंग, इसको फेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, जब आप खेती करते हैं तो खेती को जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो वहाँ भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जो हमारे डियर होते हैं, हरिन होते हैं या रेंडियर होते हैं, पिग होते हैं, मतलब डुक्कर होते हैं, जो जानवर होते हैं जो ऐसे ही इधर इधर घूमते हैं, उनसे भी हमें बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उनसे भी हम सेफ रहते हैं हमारी खेती को, क्योंकि वो खेती का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो हमने जब खेती को भी किया, 1 एकड़ हो 10 एकड़ हो, तो उनका भी बहुत हमें फ़ायदा होता है। तो हमें जब भी प्रॉपर्टी लिया है, अब खेती कर रहे हो, हमारे जो जानवर है उनको भी हमें फेंसिंग करना चाहिए, प्रॉपर्टी को भी हमें फेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि प्लॉट की जो रेट है, जो ज़मीन के रेट है, खेत के रेट है, वो बहुत ही बढ़ रहे हैं मोटे बड़ी बड़ी सिटियों में। तो पहले आप फेंसिंग करना चाहिए और उसके जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा भी फ़ायदा होगा। हाँ, हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, जब 10-15 हज़ार लगेंगे फिर हमारा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब हम लेते हैं तो अगल बगल से डिस्प्यूट जो होते हैं, जो तंटे होते हैं, वांडन होते हैं, और जो क्या बोलते हैं उसे, युद्धजन्य परिस्थिति ऐसी भी पैदा हो सकती है, उसमें फिर कोर्ट में जाना, जज में जाना, उसका निकाल लगता है, तो वो बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो पहले प्लॉट लिया तो उसको पहले ही फेंसिंग कर दे, कंपाउंडिंग कर दे, वो बहुत ही भारी होगा और स्टील से ही कर दे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि आपको फेंसिंग करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।